हेलो टू एवरीवन। तो भाई लोग, आज दोबारा मैं आपके सामने। तो आज हम बात करेंगे बलेनो के एसी के बारे में, जो उसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है वो कैसे वर्क करता है। आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कैसे वर्क करता है, बट बेसिकली मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे पापा को नहीं आता था यूज करना, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको पता पड़ जाए कैसे कैसे वर्क करता है और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स दिए गए हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूं तो भाई, ये सिल्वर और ब्लैक का जो फिनिश है ना, बहुत ज्यादा अलग और प्यारा लग रहा है। गाड़ी का कलर भी मेरी का सिल्वर है और अंदर से पूरा ब्लैक है, तो ये बहुत अच्छा सा अट्रैक्टिव सा लग रहा है थोड़ा सा। तो ये तो बस इसके लुक्स की बात हो गई, अब हम बाकी चीजों की बात करते हैं। बीच में जो हमें इसका डिस्प्ले दी गई है, इसमें हमें सारी डिटेल दिखती है जो भी इस एसी से रिलेटेड और हीटर से रिलेटेड है। तो आज उन सबको हम कवर करेंगे, बताएंगे क्या क्या होता है इसके बारे में, कैसे वर्क करता है और क्या क्या इसमें अच्छे फीचर्स हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं गाड़ी में की लगा देता हूँ तो आपको पता पड़ जाएगा इसकी डिस्प्ले दिखती कैसी। जैसे मैंने की ये लगा दी मैंने की, आप देख सकते हो इसी डिस्प्ले पे दो चीजें शो होती है, एक ये और एक ये, दो चीजें शो हो रही है बस, अभी एसी ऑफ है हमारा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फैंस की। आप नॉर्मली बस इसको प्रेस कर दीजिए, इसका फैन ऑन हो जाएगा। इससे स्पीड बढ़ती है फैन की और इससे स्पीड कम होती है फैन की। तो ये साइड वाले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारा फैन का ऑप्शन हो गया। दूसरा जो है वो हमारा एसी का, जैसे आप बस इसको प्रेस कर दीजिए, ये लाइट जल गई है और यहाँ हो गया शो एसी। तो ये जो है कि इससे आप एसी इसका ऑन कर सकते हो और ऑफ करने के लिए केवल इसको प्रेस करना होता है। तो ये हमारा एसी भी ऑफ हो गया, सब कुछ ऑफ हो गया। दोबारा हम इसको ऑन कर देते हैं, ये ऑन हो गया हमारा एसी, हम दबा देंगे एसी हमारा ऑफ हो गया। अब इसके बाद क्या ये होता है इसके मोड, आप मोड देखिएगा इधर और यहाँ स्क्रीन पर देखिएगा। देखिए ये वाला जो ऊपर है, ये वाला दिख रहा है, मैंने दबाया, देखिए अब ऊपर पैरों पर हवा आएगी। दूसरा दबाया केवल पैरों पर हवा आएगी। तीसरा दबाया तो अभी देखो ये वाला मोड आ गया। चौथा केवल फेस पर हवा आएगी। ये इसका मोड वाला ऑप्शन है। जो पुरानी जो सिग्मा है, जो इसकी पुरानी नहीं बोलूंगा, जो इसकी सिग्मा वाला जो इसका वेरिएंट है, उसमें हमें इधर दे दिए गए वो रेगुलेटर टाइप, वो मुझे थोड़े अच्छे से मिल लगते हैं, वो यार ओल्ड फैशन हो गया, अब थोड़ा सा नया लाओ। तो ये काफी अच्छा है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला, मेरे को काफी अच्छा लगा। यूज है भी इसका, मैं कहूँ यूज इतना पड़ता भी नहीं है, बट अच्छा लगता है बेसिकली, मैं ये बताता हूँ। अगला हम देखें इसका ऑटो, मतलब ऑटो मतलब केवल आपको ये पुश कर देना है, ये लिखा गया ऑटो। अभी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता रहेगा कि कितना गर्म होनी चाहिए गाड़ी, कितनी ठंडी होनी चाहिए गाड़ी। काफी तेज आवाज आ रही होगी तो मैं इसे कम कर देता हूँ। बस ऑटो आपने अगर दबा दिया तो ये अपने, जैसे मैं दोबारा दबा दिया तो अपने अकॉर्डिंग ये सेट कर लेगा कि कितना होना चाहिए गाड़ी के अंदर टेम्परेचर इस टाइम। ये हो गया हमारा अगला फीचर, यहाँ आपको दिख गया ऑटो, ये स्पीड बढ़ती रहेगी, ये स्पीड ऊपर इंडिकेट होती रहती है। अब मैं करता हूँ इसे ऑफ, अब मैंने कर दिया इसे ऑफ, ये हो चुका ऑफ हमारा। अब हम बात करते हैं ये वाला पोर्शन, जो इसमें ये क्या चीज है, इसे ऑन कर देता हूं मैं एक बार। ये वाला है, जैसे मान लीजिए ये वाला जो सिंबल दिया गया नीचे वाला, अब ये गाड़ी के जो अंदर हवा है ना वही ठंडी होती रहेगी, जैसे देखिए यहाँ शो हो रहा। और अगर इसे दोबारा दबा दोगे, अब देखो गाड़ी के बाहर जो हवा आ रही होगी वो अंदर आएगी गाड़ी के अंदर। दोबारा प्रेस कर दोगे इसी को तो गाड़ी के अंदर वाली हवा ठंडी होती रहेगी। तो ये है इसमें, ये वाली बटन से ये होता है, ये वाला फीचर है इसके अंदर। अब हम दूसरी बात करें तो जैसे ये अगर आपको दिख रहा है ना ब्लू और नीचे, तो मतलब इसका मतलब टेम्परेचर कम होगा, ठंड चाहिए तो हमें टेम्परेचर कम करना है, तो हम बस केवल इसको प्रेस करेंगे और इससे होता रहेगा टेम्परेचर कम। जैसे आप देख सकते हो ऊपर रेड है, इससे आप प्रेस करते रहिए टेम्परेचर बढ़ता रहेगा गाड़ी का, जो विंटर्स में जरूरी है और ये समर्स में जरूरी है। ये बेसिकली आप लोगों को, मुझे पता है आप लोगों को ये चीजें पता है, बट जिनको नहीं पता है मैं उनको ये चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान को यूज नहीं करना आती है, तो बस ये उसके लिए है ये वीडियो। तो मैंने बस इन्हें कर दिया, देखिए पूरा हाई पे आ चुका। अब इसमें दो चीजें और दी गई हैं, जैसे कभी रेयर डिफॉगर इसमें दिया गया, जैसे सामने मिल जाता है हमें ये, और पीछे मैं दिखाता हूं आपको, पीछे आपको देखिए विंडो पे अगर दिख रहा हो तो विंडो पे आपको ये वायर्स दिख रहे हैं, जैसे ये वाले वायर्स, हाँ ये इसके डिफॉगर है। अब मैं बताता हूँ इसे वर्क कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ ये और ये ऑन कर दिया, ये लाइट ऑन हो गई, तो आपका फ्रंट वाला ये जो है ये ऑन हो चुका है। और अगर शायद आपको आवाज आ रही हो तो मैं इसकी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, वह देखिए ये हो चुका है ऑन इसका, ठीक है ये इसका ऑन हो चुका है। तो अब हम इसको कर देते हैं ऑफ, ये केवल इसे दबाना, ये ऑफ हो गया हमारा रेडी। इसे जैसे प्रेस करोगे तो देखिए ये ऊपर सिंबल भी आ जाता है, मालूम पड़ जाता है रेडी फोगर ऑन हो चुका है, इसे कर दिया ऑफ। अब ये फ्रंट वाला डिफॉगर ऑन चुका। अब हम बात करेंगे, अब हम करना प्रेस रेयर। अब रेयर का सीन ये होता है कि जब भी अगर आपकी गाड़ी ऑन है, मैं बताऊं जैसे आपकी गाड़ी ऑन है और जब ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे आप गाड़ी ऑन होगी तभी रेयर डिफॉगर ऑन होता है, अदरवाइज ऑन नहीं होता है। जैसे मैं इसे बंद कर देता हूं, दोबारा मैं इसको फैन को ऑन करता हूं, तो अब मैं इसे दबाऊंगा ना तो ये ऑन नहीं होगा। रेयर डिफॉगर तभी ऑन होगा जब आपकी गाड़ी ऑन होती है, तो ये काफी अच्छा है, क्योंकि जब गाड़ी ऑफ है तो फिर क्या जरूरत है रेयर डिफॉगर की।
तो ये इसके लिए है कि आप रेयर डिफॉगर ऑन करना है तो आप केवल गाड़ी ऑन करोगे, इसे प्रेस करोगे। मैं दोबारा दिखाता हूँ, मैं गाड़ी को एक बार करता हूँ ऑन। जैसे गाड़ी मेरी ऑन हो चुकी है, अब रेयर डिफॉगर ऑन हो जाएगा। देखिए रेयर डिफॉगर अब ऑन हो चुका है, ठीक है। साथ में फ्रंट डिफॉगर, आप दोनों डिफॉगर एक साथ ऑन कर सकते हो। ये विंटर्स में काम आता है, जब भी थोड़ा फॉग वगैरह ज्यादा हो और काफी ज्यादा ठंड होती है तब आप इसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बट ठंड में बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि अंदर ये यहां से दिखना बंद हो जाता है। तो आप इसको ऑन कर सकते हैं और आपके मिरर को साफ कर सकते हैं। मैं गाड़ी कर देता हूं बंद एक बार, और ये देखिए अब पूरा एसी हमारा बंद हो चुका है, ठीक है। अब मैंने गाड़ी दोबारा इसको ऑन किया तो ये हमारा देखिए सब कुछ चालू है। इसे मैं कर देता हूँ ऑफ, केवल ऑफ वाला फीचर, फ्रंट वाला डिफॉगर ये ऑफ कर दिया मैंने, ये हो गया खत्म सब। जब देखिए पूरा एसी हमारा बंद हो चुका है, मैं इसे दोबारा ऑन करता हूँ तो केवल यही दो इसमें बार बार जब भी शो होगा, जब भी आप इसे ऑन करोगे तो आप केवल यहीं से ऑन करना है। नॉर्मली ऑन हो चुका है एसी, अगर ऑन रखोगे तो ऑन और ऑफ कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा एसी। तो ये सारे इसके जो भी फीचर्स वगैरह हैं, जो भी इसको यूज करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। अगर फिर भी कुछ ना समझ आया हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें मैंने सब क्लियर कर दी हैं, क्योंकि ऐसा है कुछ इसका लुक और बहुत ईजी है, थोड़ा सा इतना भी टफ नहीं है इसे यूज करना, कि नॉर्मल बटन्स हैं, फैन की दी गई हैं, ऊपर हीट और कोल्ड की दिया गया, सारी बटन्स इसमें दी गई हैं और नॉर्मली आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं बता दूंगा अगर कुछ और भी होगा तो। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो यहां तक देखी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा जिनको भी इसके बारे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो मे बी उनके लिए हेल्प हो सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो लेके आते हैं कुछ अच्छा सा। सो थैंक यू सो मच, बाय।